तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ट्रैपीजियम है, और मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि ट्रैपीजियम हम किसे कहते हैं। तो ट्रैपीजियम हम किसे कहते हैं, यह बात तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसका एक पेयर क्या होता है, पैरलर होता है। तो ये वाला पेयर जो है इसके पैरलर है, और ये जो पेयर है ये इसका नॉन पैरलर है। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये आंसर ढूंढना है कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, जबकि हमें सिर्फ ये एंगल मालूम है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें आसानी से मिल सकता है हम उसको देखेंगे। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं कि एक लाइन यहाँ पर आया, तो ये एक एंगल यहाँ पे बना रहा है और एक एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो ये हमारा कौन सा एंगल बनाता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से एक कंक्लूजन मिलेगा किसका, लीनियर पेयर का। तो हम पहले इसका नाम लिख लें। तो यहाँ पर मुझे एक एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आएंगे ई बी और ऐसे मुड़ जाएंगे तो सी, तो मुझे ये एंगल मिलेगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, एंगल ई बी सी, ये एंगल मिला मुझे, ई बी और सी मिला, जो कि ई बी सी एंगल हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल के बारे में अगर हम देखें, ए बी और ऐसे मुड़ेंगे सी, तो हम किस एंगल में आए, इस एंगल के पास। तो मुझे ये पता है कि एंगल ए बी सी। अब जब इन दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो हमें पता है कि ये हमारा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। अब जब लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हुए बाहर आगे की तरफ निकाल सकते हैं। तो एंगल ई बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर रख दिया 60 डिग्री, प्लस एंगल ए बी सी जो हमारे पास है, ए बी सी ये तो हमें निकालना है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैलकुलेशन करेंगे तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। तो मुझे ये एंगल जो है ये मिल जाता है। तो ये एंगल जो हमें मिलता है, ये एंगल हमारा 120 डिग्री मिलता है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ वाला एंगल गायब है और यहाँ वाला एंगल गायब है। तो मैं इसको इस तरीके से भी इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ कि ये जो एंगल यहाँ पर है, आपको लाइंस एंगल्स चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छा चाहिए ताकि आप इसे पता लगा सकें। तो कैसे हम करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। हमें पता है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, पैरलर है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, सिंस ए बी पैरलर टू सी डी। तो आपको याद होगा लाइंस एंगल्स में कि अगर ये वाला लाइन इसके पैरलर है तो ये वाला और ये वाला लाइन ट्रांसवर्स के जैसा काम कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्स के जैसा काम कर रहा है तो हमें पता है कि बहुत सारे एंगल्स के बारे में हमें जिक्र होगा। ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का, कोइंटर एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो बहुत सारे बात है। तो देखिए, ये अभी मैं इसको बहुत तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन अभी आप जनरली यहाँ देख लें कि ये जो यहाँ पर इसके पैरलर हैं
और BC क्या है? ट्रांसवर्स है। तो ये देखिए कि इस साइड पर यहाँ पे एक एंगल है और इसी साइड पर एक एंगल यहाँ पर है। तो ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन हमें पता है। तो हम क्या देख सकते हैं? एंगल ABC प्लस एंगल DCB, ये एंगल और ये एंगल आपस में हम जोड़ देंगे तो ये कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर। क्यों होगा? क्या रिलेशनशिप है? तो आपको पता होना चाहिए एंगल्स ऑन द सेम साइड, क्योंकि एंगल्स कहाँ पर है? सेम साइड पर है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट बताया गया था, एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये कॉन्सेप्ट। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो क्या देखेंगे कि ए बी सी, तो ए बी सी तो अभी जस्ट मैंने निकाल लिया है, दैट इज 120 डिग्री, प्लस डी सी बी मुझे पता करना है। तो कैलकुलेशन हम करेंगे, एंगल डी सी बी जो हमारा होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल जो निकला, ये मुझे 60 डिग्री मिल गया। अब मुझे क्या करना है? ये एंगल निकालना है। तो आप चाहें तो इसे भी कॉन्सिक्यूटिव एंगल से बना सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं इसलिए हम कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल्स 360 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल ए प्लस एंगल ये वाला बी प्लस ये एंगल सी प्लस ये एंगल डी कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल ए हमें पता नहीं है, हम रहने देंगे। एंगल बी हमने पता कर चुका है, तो कितना था? 120 डिग्री। और एंगल सी हमें पता चल चुका है, विच इज 60 डिग्री। और एंगल डी तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है। अब कैलकुलेशंस थोड़ा करेंगे। तो एंगल ए जो है निकालना आसान होगा, इसको आप जोड़ सकते हैं। फिर से इसको मैं जोड़ देता हूँ, और यहाँ से मुझे एंगल ए मिलेगा। तो 360 डिग्री माइनस 235 डिग्री, अब यहां से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे मिलेगा 125 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बनाते समय क्या बेसिक चीज रिवाइज हुआ है उसको थोड़ा सा समझिए।
जो बेसिक चीज़ रिवाइज हुई उसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, तो आप इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितने थ्योरीज की इस्तेमाल करनी पड़ी। जो आपने समेटिव टेस्ट 1 में लाइन्स एंगल्स चैप्टर पढ़ा है वहाँ से लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, तो आपको ये जाहिर सी बात है कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर हमने देखा कि जब पैरलर होता है और कोई ट्रांसवर्स लाइन होता है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसका रिलेशन 180 के बराबर होता है। और जो जिस चैप्टर में भी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर एक रूल लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 रूल्स को यूज़ किया। तो आप पहले इन रूल्स को बार बार पिक करते रहें क्योंकि ये बार बार ज्योमेट्री में रिवाइज होती रहेगी। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे।